वैसे भी इंडिया में सब लोग कह रहे हैं कि बहू रानी को साथ में लेके आना, बोला कुछ बोलना है? चलें फिर, क्या हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ? पर खलंगा बाजार, नेपाल के ट्रेडिशनल घर, काफी खूबसूरत। मेरे साथ चलो, मैं तो कह रहा हूँ अभी जल्दी आने वाले हैं यहाँ पे फिर से तुम्हारी होने वाली भाभी नेपाल से। नहीं, बिल्कुल सच में, लिटरली पहले मुझे ये लगा कि मजाक कर, मतलब मजाक चल रहा है ये सब। आज के दिन पर सुबह सुबह यहाँ से निकलने की तैयारी है। सुबह के ब्रेकफास्ट चल रहा है, थोड़ी देर में मतलब 5:30 हो चुके हैं, 6 बजे के टाइम पर बस है यहाँ से। तो आगे निकलना, हाइस चलती है, यहाँ पर हाइस बोलते हैं ट्रेवलर को। तो ब्रेकफास्ट चल रहा है। विपना ने सुबह सुबह 4 बजे उठ के ही मतलब पराठे पराठे ये सब चीज़ें बनाना शुरू कर दिया था, तो बन चुके हैं। मतलब अभी के टाइम पर काली चाय और साथ में पराठे खा रहे हैं। बाकी थोड़ा जल्दी करते हैं और जल्दी निकलेंगे मतलब उस साइड में ना। तो ब्रेकफास्ट तो अपना हो चुका है। सुबह का मौसम देखो, मौसम कितना प्यारा है। अपने को एक्सपेक्टेशन ये था कि बारिश देखने को मिलेगी, लेकिन बारिश तो नहीं है, अच्छी चीज़ है ना। तो विपना भी छोड़ने के लिए आएगी, दरअसल वहाँ तक ना आगे एक मोड़ पड़ता है, तो वहाँ तक छोड़ने के लिए आएगी। बाकी यहाँ से जो इंडिया का सफ़र होने वाला है वो अपना होने वाला है 6 घंटे मुझे लगता है यहाँ से नेपालगंज, 5.5-6 घंटे जो भी है, 150 किलोमीटर के समथिंग आई थिंक। मैप में देखा नहीं मैंने इतनी दूरी, मैंने इंडिया से देखा था, कैलकुलेट किया था। तो नेपालगंज से यहाँ की दूरी 149 किलोमीटर है। बाय दिल्ली वाला जो रूट है मुझे फिर नेपालगंज से और 1 घंटा मतलब बॉर्डर क्रॉस करने में लगेगा, जहाँ पर की गाड़ी खड़ी होती है अपनी जो बस लगती है, और वहाँ से दिल्ली पहुँचने में लगेगा अपने को 14 घंटे बस में। लेकिन 14 तो नहीं लगने वाले, प्राइवेट बसेज हैं, मतलब 10 या 11 घंटे में मेरे हिसाब से पहुँच जाएंगे, 11 घंटे में आराम से। ऊपर खलंगा बाजार, नेपाल के ट्रेडिशनल घर, काफ़ी खूबसूरत, काफ़ी प्यारा। अब तैयारी हो चुकी है, तो अब चलते हैं भाई, काफ़ी दिन हो चुके हैं। वैसे मेरा इस बार इस तरीके से प्लान था ना कि मैं यहाँ पर 2-4 दिन रुकने के बाद में सीधा फिर काठमांडू और पशुपतिनाथ जी के दर्शन करने निकलूँगा, और बीच में इस तरीके से प्लान था, लेकिन विपना ने ये चीज़ बोला कि बोला थोड़ा रुक जाओ, इस वजह से रुक गए। हाय, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, हो गए तैयार, सब रेडी? क्या तैयार हो? चलो, पानी की बोतल रही है, पानी की बोतल। इतनी जल्दबाजी हो रखी है ना, ब्रेकफास्ट 4 बजे उठ के बना दिया था, ये वो चीज़ें। पानी की बोतल से लेके हर चीज़ बिल्कुल तैयार करके रखी है। ऐसा लग रहा है आज हम जा रहे हैं, आ रही हो तुम? आना चाहो तुम इंडिया? इंडिया आ रहे हो? आना चाहो, क्या बोलेंगे, आना चाहो इंडिया, तुम ही आना चाहो इंडिया? नहीं। संतोष ऊपर में बैठ के देख रहा है ऊपर से, बढ़िया। टीका टूका लग चुका है, जाने की यहाँ से प्रॉपर तैयारी। तो पिताजी तो ऊपर जा रहे हैं, बोला ऊपर गाड़ी देखने के लिए। हाँ, ऊपर ही जा रहे हैं ना आप गाड़ी देखने के लिए? हाँ, बाकी माता जी यहाँ पर हैं, माता जी से अभी मिलते हुए निकलेंगे फिर यहाँ से। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, गाड़ी आ जाए तो बैठा लेना अभी तो ना। हाँ हाँ ठीक है ठीक, क्या करना, चलना है? चलो ठीक है माता जी, नमस्ते। माता जी के पाँव नहीं छूते ना? अच्छा, यहाँ पे नहीं छूते यार, ठीक। बाकी दोस्तों से मिलते हुए चलते हैं भाई। जो अपने से छोटे होते हैं ना यहाँ पे, उनको क्या करते हैं, ढोगलो, ढोगने, ढोगने का मतलब है सर के ऊपर हाथ रखना है ना, दोनों हाथ रखना है, एक एक हाथ, तो जैसे करो जैसे मुझे ऐसे करके। तो संतोष पे भी रख दिया है और सुजीता पे भी रख दिया, सुजीता तो उधर गई, अब माता जी मुझ पे करेंगे ऐसे, है ना? तो अब निकलें? हाँ, क्या दो, करें दो, ये लो इसे पकड़ो जरा, मैं दिखाता हूँ। नहीं छोड़े, डॉक्टर नहीं है। अच्छा,
वो छूते हम नहीं छूते, वो बड़े हमारे से बड़े छूते हैं ना छोटों के पाँव। अच्छा। छोटे बड़ों को नहीं छूने देते पैर, हमारा ये सिस्टम है यहाँ। मैंने जब जितना अपने मामी और घर पे गई तो उन्होंने इनके पैर पूरे प्रॉपर छुए थे, ऐसे नहीं छुए थे, देखा था पूरा वो पैर जूतियाँ खोल के। जी जी है ना सिस्टम आपको धीरे धीरे समझ आएगा। तुम्हारे पाँव नहीं छू सकते। तो अब यहाँ से निकलने की तैयारी हो चुकी है, सही बताऊँ तो खुशी भी है क्योंकि बहुत जल्दी आने वाले हैं यहाँ पे फिर से। तो ये मैं और पापा जो भी है तो बढ़िया है। कैसा लग रहा है तुम्हें? बिल्कुल भी अच्छा है। अच्छा, तुमने कुंडल वो नहीं पहना आज कांट्री भी? रात को उतार दी इसे ना। हाँ। जल्दी जल्दी में पता वही नहीं। तो क्या बोलूँ यार, 4 बजे उठ गई थी, 4 बजे उठते ही पहले गर्म पानी, फिर चाय, फिर उसके बाद इसने ब्रेकफास्ट बना दिया, पराठे पुराठे, फिर मैं फ्रेश होने गया था तो बैग बैग रेडी कर दिया पूरा, सब कुछ भेजने की जल्दी तो इसको थी, जल्दी जल्दी तो आपको नहीं जाने। तो पूरे क्या बोले कुछ मत बोलो, मैं देर हो रही थी ये जूते लेके आई, तुरंत लो बोला पहन के जाओ, मैंने कहा जाओ। अरे यार चिंता मत करो, कुछ दिनों बाद तुम वहाँ होगी इंडिया में, ठीक है? रहने दो मैं ही ले जाना है बोला। तो हमें इस वाले मोड़ पे जाना है, यहाँ पर आइए हाइस। जो भी है काफ़ी अच्छा रहा, काफ़ी बढ़िया रहा नेपाल का एक्सपीरियंस, सब लोगों से मिले, पूरी फैमिली से मिले भाई, बहुत ही अच्छा लगा। मतलब आधी मिल गया भी, क्या कह रहे हैं? अच्छा आधी फैमिली से, ऐसे मत बोलो यार। भाई से? हाँ सुदन से मिल लेंगे, सुदन तो वहाँ है ना इंडिया में, उससे मिल लेंगे। बाकी वो नीचे में आपको मई से पानी दिखाई दे रहा है, इधर गईरा गांव, देखो भाई हर नाम अब याद हो गया, नहीं है सारे के सारे नाम याद कर लिए हमने। अच्छा और कुछ कहना चाहते हो? क्या कहना, चलो मेरे साथ चलो, मैं तो कह रहा हूँ अभी। नहीं है बाद ना, क्यों बाद का लफड़ा पालना। अभी चलो चलो चलो, चलो। हाँ ऐसे ही। वैसे भी इंडिया में सब लोग कह रहे हैं कि बहू रानी को साथ में लेके आना, बोला आएंगे बहुत जल्दी। बाकी हम लोगों का प्लान था कि हम लोग लाइव आएंगे, आप लोगों के साथ में बात करेंगे, अपनी स्टोरी बताएंगे, लेकिन ऐसा पॉसिबल हो नहीं पाया। दरअसल हम लोग प्लान करते थे हमेशा शाम का, और हर दिन शाम को कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें रहती थी, कहीं पर जाना टाइम नहीं मिलता था ना, इस वजह से नहीं हो पाया, लेकिन जल्दी करेंगे ठीक है लाइव, और पूरा डिटेल में बताएंगे क्या हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ, ठीक है? क्या बोलते हो तुम? एक डायलॉग है ना, शर्मा आ गई। तो वही चीज है यार, एक चीज तो विपना तुमने करी नहीं, तुम्हें क्या बैग उठा के भी मैं ही लेके जा रहा हूँ। अरे नहीं यार मेरे बटन से तुमसे भारी ये बैग है ना, इसलिए मैं लेके जा रहा हूँ पता है। और ये जगह है दरअसल विपना की फेवरेट, जहाँ पर वो बकरी चराने आती है, और बकरी चराने के बहाने उन्होंने आम ख़त्म कर दिए यहाँ से, नहीं है आम निपटा रहे हैं बस यहाँ से। इधर आओ, इधर के आम निपट जाते, उधर जाओ तो स्कूल के आम निपट जाते। हाँ ये भी है, हमारे को सिर्फ आम से मतलब है। तो ये है विपना के फेवरेट पेड़ जहाँ से कि आम खाया जाता है। और विपना और बताओ तुम्हें कैसा लग रहा है? मुझे बुरा लग रहा है। सही में? नहीं झूठी झूठी झूठी। चलो देखो गाड़ी आ गई यहाँ, चलें ठीक है, चल रहे। तो वहाँ से अपनी गाड़ी भी आ चुकी है, कुछ बोलना है? चलें फिर, ओके। तो वैसा करते बिना देरी के अब चलते ही हैं यार, बाय ठीक है।
हाइस भी आ चुकी है, अब ऐसा करते हैं कि हाइस में बैठते हैं और निकलते हैं यहाँ से। यहाँ से जो अपना सफ़र होने वाला है वो लगभग 150 किलोमीटर का होने वाला है, और साथ में यहाँ देखो श्रीनगर के खूबसूरत से प्यारे से खेत क्या लहरा रहे हैं ना फसल से। अभी तो शुरुआत है लेकिन जो भी है, सही बताऊँ तो जाते जाते ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, थोड़ा बहुत दिल में लगता ही है ना, कोई दिक्कत नहीं है, चलते हैं, अब जल्दी आने वाले वैसे भी। खलंगा से लगभग आधे से पौने घंटे सफ़र करने के बाद में अभी पहुँचे हम लोग तुलसीपुर, या फिर दांग भी बोला जाता है इस जगह को। तो यहाँ पर अच्छी बात ये हुई कि काफ़ी सारी सवारियाँ उतरी जिसकी वजह से प्रॉपर सीट भी मिल गई है, नहीं तो भाई बहुत ही बुरे हाल हो गए थे। खलंगा में लिटरली सिर्फ और सिर्फ पीछे वाली आखिरी कोने वाली एक सीट बची थी, जैसे जैसे करके एडजस्ट करके आ रहे थे, पर यहाँ से अब आराम से बैठ के जाएंगे नेपालगंज की ओर। देखते हैं यहाँ से कितना किलोमीटर बचा, इतना तो मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कम से कम 3-3.5 घंटे लगने वाले हैं अभी भी। आज के दिन पर यह उम्मीद नहीं थी कि इतना मौसम खराब होगा। दरअसल काफी पीछे से बारिश लगना शुरू हो गई थी, अभी तक बारिश ही लगी है, थोड़ा बहुत अभी के टाइम पर रुकी है, और नजारे देखो कितने खूबसूरत हैं। तो अभी देवखुरी पे आके रुके हैं और यहाँ पर थोड़ा खाना खुना चल रहा है अभी ना, तो यहाँ से नेपालगंज अपने को हार्डली मतलब 1.5 घंटा लगने वाला पहुँचने में, तो देखते हैं कितना टाइम लगता है क्या लगता है। बाकी भाई जगह इतनी प्यारी है ना, जगह बहुत खूबसूरत है, और यहाँ पर लिखा भी है लुम्बिनी प्रदेश राजधानी राप्ती। इंडिया नेपाल बॉर्डर पे पहुंच चुका हूँ, क्रॉस कर दिया नेपाल बॉर्डर और साथ में इंडियन बॉर्डर भी। तो अब आगे बढ़ते हैं भाई, यहाँ पर ना गर्मी का अल्टीमेट लेवल है। थोड़ा सा आगे चलता हूँ, आगे से फिर रिक्शा पकड़ लूँगा, थोड़ा सा रिकॉर्डिंग भी हो जाएगी, राइट, चलते हैं, बाकी लगे हम भी चलने पर। तो जहाँ से मुझे बस मिलनी थी ना, मैं उस जगह पर पहुँच चुका हूँ और यहाँ पर रुका था, थोड़ा चाट चूट खाया क्योंकि भूख भी लगने लगी थी, और सही बताऊँ तो टाइम 3 बजने वाला है और 4:30 बजे की बस निकलेगी अपनी। तो जो भी है मज़ेदार, काफ़ी अच्छा रहा सफ़र, मतलब ना ऐसा है परेशानी कुछ भी नहीं, मतलब बढ़िया सफ़र रहा, अच्छा रहा, और ख़ास करके नेपाल का एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया। तो थोड़ी देर पहले यहाँ पर कचौड़ी खाई थी और उसके बाद मैं अब निकलने की तैयारी। तो बस के सामने भी पहुँच चुके हैं भाई, अब बस निकलने का इंतज़ार है। अभी के टाइम पर 4 बज चुके हैं और 4:30 बजे से बैठना शुरू हो जाएंगे सब लोग, यानी कि 5 बजे से पहले ना यहाँ से बस निकल जाएगी दरअसल दिल्ली के लिए। बाकी अब बस में बैठने का इंतज़ार है, जैसे बैठेंगे वैसे ही निकलेंगे, फिर देखते हैं। 14 घंटे का सफ़र होने वाला है, कितने टाइम में पहुँचेंगे वो तो डिपेंड करेगा सिचुएशन पर कि कैसे बस चलती है। तो अभी के टाइम पर यहाँ से बस निकल चुकी है, मैंने दरअसल यहाँ पर इंतज़ार किया लगभग 2.5 घंटे का, 2.5 से 3 घंटे का अप्रॉक्सीमेट, और अब जाके यहाँ से बस निकली है 5 बजे के लगभग। मुझे उम्मीद ये था कि मुझे जो कॉल आई थी यहाँ से वो 4:30 बजे की थी, पर जो भी है फाइनली बस में बैठ चुके हैं, निकल चुके हैं और अपने दिल्ली की तरफ में यात्रा शुरू हो चुकी है। तो अब जो भी है काफ़ी मज़ेदार, नेपाल को बहुत मिस करें, और चलते हैं अभी आगे चलते हैं। बस से उतरने के बाद में अभी के टाइम पर हम कोटद्वार की बस में बैठ चुके हैं, कश्मीर गेट के बस अड्डे के अंदर एक ही बस लगी है दरअसल। यहाँ गर्मी काफ़ी है, पॉल्यूशन काफ़ी है भाई, बसें खड़ी हैं लेकिन कोटद्वार के सिर्फ और सिर्फ एक ही लगी है। मुझे ये था कि सुबह सुबह मिल जाएगी बस उत्तराखंड परिवहन, लेकिन यहाँ पर बिजनौर यानी कि यूपी की बस लगी, तो बिजनौर की बस में ही चलते हैं। सफ़र काफ़ी थकावट भरा रहा, थकाने वाला सफ़र रहा। सो लास्ट टाइम हम दिल्ली में उतरे थे, दिल्ली में थोड़ा बहुत दिखाया था, और अभी के टाइम पर सीधा रुका हूँ मैं कोटद्वार में। दरअसल हुआ क्या है ना कि थकावट बहुत ज़्यादा थी, जैसे यहाँ पर पहुँचना भाई बस में तो सोते सोते ही आया क्योंकि बहुत लंबा सफ़र था, कल सुबह से चला था, आज दिन में पहुँचा हूँ लगभग 2 बजे ना, काफ़ी लंबा सफ़र। तो कोटद्वार में पहुँच गया हूँ, कोटद्वार में अपने मौसियों के घर पर यानी कि अपनी बहन के घर पर रुका हूँ यहाँ पर,
तो अभी भाई ठीक हो जरा एक बार हाई कर दो सबको। हाय। पिछली बारी जब मैं आया था ना तो उस टाइम पे बहन दरअसल देहरादून जा रखी थी, है ना, तो इस वजह से उस टाइम पे मिला नहीं पाया, लेकिन जो भी है इस बारी पहुंचे, कल सुबह सुबह निकलूंगा। एक और सुनने में यह है कि बोला जो मेन रोड है ना हमारे यहाँ की, ये दरअसल टूटी है बोला कहीं पे ना, कौन सी जगह पर है कुछ आइडिया है? क्या बोलते हैं दुगड्डा के साइड, दुगड्डा से मतलब इधर को कोटद्वार के इधर को। हाँ, तो मतलब ये लगाओ कि 15 किलोमीटर का जो सफर होना था ना उसको लगभग 35 किलोमीटर का होना है, 35 किलोमीटर और चल रहे मतलब। और वो रोड सच में इतनी ख़राब है बहुत, क्योंकि मैं एक बार पहले भी गया था उस रोड से भाई, बहुत बुरे हाल हो जाते हैं उस रोड पे चलने में। तो जो भी है देखते हैं क्या सिचुएशन बनती है। बाकी कोटद्वार की बात करें तो गर्मी बेजोड़ है दरअसल यहाँ पे। शाम हो चुकी है ना, तो शाम की वजह से थोड़ा बहुत मौसम वैसा है ठंडा, लेकिन भाई जैसे जब मैं यहाँ पे पहुँचा ना दिल्ली से भी खतरनाक गर्मी है भाई यहाँ पे। बाकी नेपाल के टूर की बात करें तो नेपाल का टूर बहुत अच्छा रहा। अब बहुत जल्दी फिर से जाने वाले हैं, अभी तो घर पे जाएंगे, घर वालों के रिएक्शन मिलेंगे, गांव वालों के रिएक्शन मिलेंगे। अच्छा बहन इधर आओ, तुमने जब सुना कि तुम्हारी होने वाली भाभी नेपाल से, नहीं बिल्कुल सच में लिटरली पहले मुझे ये लगा कि मजाक कर, मतलब मजाक चल रहा है, इसे मेरे को उतना वो नहीं पता था, लेकिन जब मैंने वीडियोस देखी ना तो मेरे को पता चला। अभी मैंने जिट्ठी को कॉल किया फिर घर पे ना, घर पे तो तब जिट्ठी ने भी बताया कि भैया वहाँ जा रखे नेपाल। दरअसल मैंने किसी को नहीं बता रखा था यहाँ पे, सिर्फ माँ और पापा को पता था और भाइयों को पता था मतलब ना, बाकी मैंने किसी को भी नहीं बता रखा था कि भाई हम इस बार मैं नेपाल जाने वाला हूँ, ऐसा ऐसा है। ये मतलब सबके लिए एक सरप्राइज था, बहुत ज्यादा नेपाल में जाके बम फोड़ा था, बड़ा सरप्राइज था। तो वही रहे मतलब काफी अच्छा रहा, अब तो सबको पता चल गया होगा इस बारी सारी फैमिली का, नहीं है? तो अभी के टाइम पर अपना खाना पीना कंप्लीट, थोड़ी देर पहले घूमने जा रखा था कोटद्वार में। सच बताऊं तो बहुत ज्यादा गर्मी है और सफर में तो इतनी ज्यादा थकावट थी कि यार बस मन करा कि सो जाओ। और अभी जस्ट खाना खुना खाया था, खाना खा के बिल्कुल फ्री हो चुके हैं। साथ में अभी भाई और मैं देख रहे हैं हम मैच की हाइलाइट्स। कैसे हो अभी भाई? बढ़िया। तो ये है इसका नाम रखा क्यूट बॉय, और साथ में अभी ऐसे कर रहे हैं कि इस वीडियो को भी यहीं पर एंड कर रहे हैं। उम्मीद है कि आप सभी ने ब्लॉग एंजॉय किया होगा, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को मेक श्योर सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं कल के ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय कर दो एक बार।